क्वेश्चन नंबर 4 एक मैट्रिक्स है ए, रिवर्सिंग मैट्रिक्स है 1 5 -1 2 0 -1 -3 2 एक मैट्रिक्स है बी 4 2 -1 2 0 2 5 एक मैट्रिक्स है सी 4 0 1 1 1 3 -2 2 2 और कंप्यूट करो पहले तो ए प्लस बी तो ए प्लस बी निकालते हैं 1 5 -1 2 0 -1 -3 2 1 प्लस 4 0 1 प्लस 3 4 2 -1 2 0 2 5 अब इनको प्लस करते हैं 1 + 3 4 2 -1 1 -3 + 2 -5 5 + 1 9 0 + 2 2 + 5 7 -1 + 2 1 -1 + 0 -1 1 + 2 3 4 ठीक है। अब बोला क्या है इसके बाद निकालना है बी माइनस सी बी देते हैं 3 - 1 2 4 2 5 2 0 - सी लिख देते हैं 4 1 2 0 3 2 1 -2 अभी दोनों को माइनस 3 - 4 -1 -1 -2 2 - 2 0 4 - 0 4 2 -3 -1 5 - 2 3 2 - 1 1 0 - -2 2 और 3 - 3 0 ठीक है। इसके बाद वेरीफाई करना है ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं ए प्लस बी माइनस सी तो ए 1 2 -3 -5 0 2 -1 -1 1 प्लस बी माइनस सी हमने यहाँ निकाल लिया ये यहाँ लिख देते हैं 1 - 1 -2 0 4 - 1 3 1 2 0 इन दोनों को प्लस करते हैं देखा है क्या आंसर आएगा 1 - 1 0 2 + -2 0 - 3 + 0 - 3 5 + 4 9 0 - 1 - 1 2 + 3 5 - 1 + 1 0 - 1 1 + 0 ठीक है। अब उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अब राइट हैंड साइड है ए प्लस बी माइनस में सी। अब ए प्लस बी हमने निकाल रखा है ये यहाँ पे डाल देते हैं ए प्लस बी निकाला 4 1 - 1 9 2 7 1 - 1 - c 4 1 2 0 3 2 1 - 2। अब इनको सॉल्व करते हैं 4 - 4 0 1 - 1 0 - 1 + -2 -
9 माइनस 0 9, 2 माइनस 3 माइनस 1, 7 माइनस 2 5, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 प्लस 2 1, 4 माइनस 3 1। अब देखो LHS और RHS इक्वल आ गए, hence LHS is equal to RHS। क्वेश्चन नंबर 5, एक मैट्रिक्स है A 2 by 3, 1 by 3, 7 by 3, 1 2 by 3, 5 by 3, 4 by 3, 2 by 3। एक मैट्रिक्स है बी 2 by 5, 3 by 5, 1, 1 by 5, 2 by 5, 4 by 5, 7 by 5, 6 by 5, 2 by 5। कंप्यूट करना है 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b को निकालना है। 3a 2 by 3, 1, 5 by 3, 1 by 3, 2 by 3, 4 by 3, 7 by 3, 2 by 3, 2 by 3, minus 5, B है 2 by 5, 3 by 5, 1, 1 by 5, 2 by 5, 4 by 5, 7 by 5, 6 by 5, 2 by 5। अपन डिप्लाई करेंगे इसी को सबसे, तो 2 by 3 को 3 से अपन डिप्लाई करेंगे, 2, 1, 3 या 3, ये हो गया 5, ये 1, 2, 4, ये 7, 6, 5 से करना है, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, अब दोनों को माइनस करते हैं, 2 minus 2, 0, 3